विवादों में घिरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि वह दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा विवादों में हैं। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात कही है। येचुरी ने इस सिलसिले में विपक्षी दलों के कुछ नेताओं से बात भी कर ली है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष न्यायपालिका के काम में दखल देने के साथ साथ इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। And withdrawing cases from high courts, like on the death of Justice Loya, and saying that the Supreme Court will hear it, and he has appointed a bench where he himself is there. That's fine. I mean, they have the right to do that. But the point is, these questions remain unanswered. In this situation, I think there's only one option, because it's the responsibility of the legislature, with the executive, to correct this institution in case there's anything wrong. So this can only be done through an impeachment motion against the Chief Justice. Left has been doing politics over whatever has transpired in relation to the Honorable Supreme Court and the press and by the four Supreme Court judges. Even on the day when the press was done, we saw a left leader, Mr. D. Raja, meeting one of the judges. And now the statement of Mr. Sitaram Yechury makes it very clear. They are trying to politicize the whole issue. मगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति की सहमति जरूरी है, जिसके लिए राज्यसभा के 50 सांसदों या लोकसभा के 100 सांसदों का सहमति पत्र देना जरूरी होता है। दीपक मिश्रा के खिलाफ अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर विपक्षी दलों में सहमति बनती है तो राज्यसभा में 50 सांसदों को जुटा पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 57 है और गठबंधन के सहयोगियों को मिलाकर यह संख्या 80 के पार पहुंचती है। यूपीए का हाल भी तकरीबन यही है। कर्ण सिंह, जनार्दन द्विवेदी और परवेज हाशमी का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या 54 रह गई है। सहयोगी दलों को मिलाकर इनकी भी संख्या 80 का आंकड़ा पार कर लेती है। इसके अलावा सपा, बसपा, टीएमसी, सीपीएम जैसे अन्य दलों की संख्या भी 80 के आसपास है। मगर अप्रैल 2018 में राज्यसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। तब सदन में 55 नए सदस्य चुनकर आएंगे और एनडीए को बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए येचुरी को विपक्ष को एकजुट करना आसान दिख रहा है। गो न्यूज़ ब्यूरो।